हरियाणा के चुनावी दंगल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुमारी शैलजा क्या करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा टिकट वितरण के दौरान हुई अनदेखी के बाद चुप बैठी हैं, घर पर बैठी हैं, चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरी हैं, जिसके चलते कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के नुकसान के आकलन लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अगर कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया तो कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बीजेपी भी कुमारी शैलजा को लपकने के लिए तैयार बैठी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया है। कुमारी शैलजा को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं, तमाम आकलनों, कुमारी शैलजा के हालात और कांग्रेस पर उसके इफेक्ट को जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की नंबर दो की नेता हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने टिकटों के वितरण में कुमारी शैलजा की अनदेखी करने का काम किया, उनके दो तिहाई समर्थकों के टिकट काटने का काम किया और उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया। यही वजह रही कि कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा को लेकर तमाम तरह की नेगेटिविटी फैल गई। कुमारी शैलजा का नारनौंद में अपमान भी करने का काम किया गया, जिसके चलते ऐसी वोटरों में कांग्रेस के प्रति एकाएक नाराजगी और आक्रोश दोनों ही पैदा हो गए हैं, जिसके चलते कई हलकों में कुमारी शैलजा के इफेक्ट के चलते कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रदेश के दो दर्जन हलके ऐसे हैं जहां पर कुमारी शैलजा का सीधा इफेक्ट पड़ता है। अम्बाला पार्लियामेंट, हिसार पार्लियामेंट और सिरसा पार्लियामेंट की 27 सीटों के ऊपर कुमारी शैलजा का सीधा इफेक्ट है। कुमारी शैलजा को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में कांग्रेस के अंदर भी इस बात की चिंता और चिंतन शुरू हो गया है कि भूपिंदर हुड्डा को सुपर पावर क्यों बनाया गया, भूपिंदर हुड्डा को बेहतर टिकटें क्यों दी गई और कुमारी शैलजा को अनदेखा क्यों किया गया। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी इस बात की सूचना पहुंच गई है कि कुमारी शैलजा ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा, कांग्रेस की सीटें वो 15 से भी नीचे आ सकती हैं, यानी कांग्रेस का सत्यानाश हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर अब खलबली मच गई है और कुमारी शैलजा को लेकर अब मनाने के प्रयास भी अंदर खाते शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। जाहिर सी बात है, कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, वो 35 उम्मीदवारों के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन भूपिंदर हुड्डा की सेटिंग के चलते ना तो उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन मिली, ना उन्हें अपने खुद की कुलाना सीट के ऊपर अपने भतीजे को चुनाव के लिए टिकट लेने का मौका मिला और ना ही वो अपने सबसे कट्टर समर्थक डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौंद से टिकट दिलवा पाई। यानी कुमारी शैलजा के मजबूत साथियों को चुन चुन कर इग्नोर किया गया और उनकी पॉलिटिक्स के खात्मे के लिए भूपिंदर हुड्डा ने तमाम प्रयास कर दिए और यह दिखा दिया कि टिकटों के वितरण में कुमारी शैलजा सिर्फ 10 टिकटों पर अटक गई हैं और सीएम पद की दौड़ से बाहर हो गई हैं। यानी भूपिंदर हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुमारी शैलजा को जोर का झटका देने का काम किया, उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अगर कुमारी शैलजा को हद से ज़्यादा कमज़ोर किया जाएगा तो खुद उनका नुकसान होगा। क्योंकि अब कुमारी शैलजा के घर बैठने के बाद साफ तौर पर मैसेज चला गया है कि कुमारी शैलजा असंतुष्ट हैं, नाराज हैं और वो घर बैठी हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा के कारण कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कुमारी शैलजा क्या करेंगी। कुमारी शैलजा की भागीदारी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर हो गई है। यानी अगर वो कांग्रेस के पक्ष में खुलकर चुनाव अभियान चलाती तो कांग्रेस का पड़ाव भारी होता और अगर वो बीजेपी में चली गई तो कांग्रेस के लिए चुनाव उसी दिन खत्म हो जाएगा। कुमारी शैलजा को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया तो फिर कांग्रेस के लिए बुरे हालात पैदा हो जाएंगे और उसके लिए 15 सीटों का आंकड़ा पार करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कुमारी शैलजा के साथ 22% ऐसी वोटर खड़े हैं, वो हरियाणा में ऐसी वोटरों की सबसे बड़ी नेता हैं और उनका कांग्रेस से जाना कांग्रेस के सारे चुनावी संभावनाओं का बंटाधार करने का काम करेगा। कुमारी शैलजा हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, वो चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने भूपिंदर हुड्डा के प्रेशर में ना तो कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ने की परमिशन दी, ना उनको समर्थकों को टिकट देने का काम किया, उन्हें महज 10 सीटों के अंदर समेट दिया गया, जिनमें से 4 तो सिटिंग MLA थे। यानी टिकट के वितरण में कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा के प्रेशर में पूरी तरह से हाशिए पर डाला गया, अनदेखा करने का काम किया गया, उनकी दावेदारी को नकारा गया और इसकी वजह साफ थी कि भूपिंदर हुड्डा
जानते हैं कि कुमारी शैलजा के अगर ज्यादा समर्थकों को टिकट मिल जाते, ज्यादा एमएलए आ जाते तो फिर वो सीएम पद पर दावेदारी ठोक देती। अगर विधायक ही कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते तो फिर हाईकमान के सामने विकल्प पैदा हो जाता, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में बड़ा रोड़ा अटकाया जा सकता था। यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा के सारे मैनेजमेंट के चलते कुमारी शैलजा के ज्यादातर समर्थकों को टिकट काटने का काम किया गया। अब कुमारी शैलजा जब चुनाव प्रचार से दूर हैं, जब प्रदेश में ये चर्चा फैल गई है कि कुमारी शैलजा को अपमानित किया जा रहा है, कुमारी शैलजा को सियासी तौर पर खत्म किया जा रहा है, तो उसके चलते एससी वोटरों में आक्रोश पनप रहा है। जिस तरह से कुमारी शैलजा का नारनौंद में अपमान किया गया, उसके बाद तो ये नाराजगी और भी बढ़ गई है और एससी वोटर अब कांग्रेस से मुंह मोड़ने लगे हैं। इसके चलते पिछले 7 दिन में हरियाणा के अंदर कांग्रेस का माहौल बिगड़ा है, कांग्रेस की सत्ता में आने की संभावनाएं डाउन हुई है और कुमारी शैलजा की वैल्यू के बारे में पता चला है। कांग्रेस के अंदर घबराहट फैल रही है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे भी बता रहे हैं कि वो भी टेंशन में है। उन्होंने जल्दबाजी में आकर कुमारी शैलजा को हाशिए पर डालने का काम तो जरूर किया, लेकिन अब चुनावी माहौल बता रहा है कि कुमारी शैलजा को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उन्हें सम्मानजनक सीटें देनी चाहिए थी। खासतौर पर उन्हें नारनौंद और उकलाना की सीटें तो जरूर देनी चाहिए थी। अगर ये 2 सीटें भी मिल जाती तो कुमारी शैलजा इतनी नाराज नहीं होती, लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है और कुमारी शैलजा घर पर बैठी हुई हैं। कुमारी शैलजा कितनी नाराज हैं और कुमारी शैलजा के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आपको सिर्फ 2 पोस्टों को देखना जरूरी है। कुमारी शैलजा ने जो 2 पोस्टें हाल में डाली हैं, उनमें से 1 पोस्ट 2 दिन पहले की है, जिसमें बिहार में हुए दलितों के ऊपर हमले को लेकर कहा गया है। इस पोस्ट के अंदर 3री लाइन में लिखा गया है कि आज भी समाज में दलितों को हाशिए पर रखा जाता है, यह अत्याचार तब तक होता रहेगा जब तक हम सत्ता में उनके अधिकारों की लड़ाई को गंभीरता से नहीं लेंगे। पूरे देश में हमें न्याय संगत समाज की स्थापना करनी होगी। ये 4 लाइनें बता रही हैं कि कुमारी शैलजा अपनी अनदेखी से आहत हैं, कुमारी शैलजा अपने आत्मसम्मान को लेकर चिंतित हैं और कुमारी शैलजा किसी उधेड़बुन में फंसी हुई हैं। वो दलितों के अधिकारों को लेकर वो किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। इससे पहले 13 सितंबर की पोस्ट को भी आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें कुमारी शैलजा ने लिखा है, न थमेंगे न थकेंगे। ये पोस्ट 13 सितंबर की उस टाइम की है जब 12 सितंबर को प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे, तो उसके बाद कुमारी शैलजा की एकमात्र जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसके ये 4 शब्द यानी न थमेंगे न थकेंगे साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि कुमारी शैलजा को न झुकाया जा सकता है, न रोका जा सकता है और वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करेंगी। यानी कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं किसी बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ी है। कुमारी शैलजा ने अगर कांग्रेस छोड़ दी, कुमारी शैलजा ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वही हालात पैदा हो जाएंगे जो 2014 के थे। 2014 में राव इंद्रजीत सिंह, बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक जैसे एक दर्जन से ज्यादा बड़े कांग्रेस नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस को छोड़ दिया था, जिसके चलते कांग्रेस के दुर्गति हो गई थी और 15 सीटों पर लुढ़क गई थी। वही हालात अब पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बड़े चेहरे कांग्रेस को पिछले 2 साल में कई बार छोड़ चुके हैं, जिनमें कुलदीप बिश्नोई भी शामिल हैं, जिसमें किरण चौधरी भी शामिल हैं, और ऐसे में अगर कुमारी शैलजा भी कांग्रेस छोड़ जाती हैं तो फिर चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हो जाएगी और कांग्रेस 15 सीटों पर रह जाएगी। यानी कुमारी शैलजा का फैसला हरियाणा में सत्ता का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। कुमारी शैलजा के कांग्रेस छोड़ने के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने के इफेक्ट के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने पर पड़ने वाले चुनाव पर इफेक्ट के बारे में भी आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।